हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने जैसे आई थिंक सैटरडे को एक पोस्ट डाली थी बच्चों को कि जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट्स हो, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताएं और मैं उसके अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ। तो टॉपिक्स मुझे बताएं। तो आज हम दो पर्सन के टॉपिक कवर कर रहे हैं। एक है जी हरसिमरन जी अंडरस्कोर संधू जी का और PB49 नवी जी का। ठीक है ना, दो क्वेश्चन है उनका। हरसिमरन जी का क्वेश्चन है कि आफ्टर फर्स्ट अप्रूवल फ्रॉम कैनेडा हाउ मच वीज़ा चांसेस विल बी मोर और रिमेन द सेम। और नवी जी का है जैसे न्यू रूल्स के रिलेटेड स्टेज वन स्टेज टू रिलेटेड आप वीडियो बनाएं। तो इस चीज़ को अगर आपका भी सेम डाउट हो तो प्लीज़ पूरे आराम से बैठ के सुनिएगा और पूरी एंड तक सुनिएगा, शायद शायद आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ ये पहले आप समझें कि ये हुआ क्यों, अपडेट रूल चेंज हुआ क्यों। ठीक है ना, वैसे आप सबको पता भी होगा बट फिर भी मैं सबको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ, शायद आप इस चीज़ सिचुएशन को ज़्यादा बेटर समझ पाएँ जी। जैसे कि आपको सबको पता है कि मार्च में लॉकडाउन हुआ हमारे यहाँ पर, और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड भी थे। वैसे मैं डेली इंस्टाग्राम पे लाइव होता हूँ, लॉकडाउन के बीच में भी हो रहा था, आजकल भी होता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फॉलो कर लो। तो मैं डेली वहाँ पर इंस्टाग्राम पर लाइव भी होता था। ठीक है ना, मेरी DMs फिल रहते थे जी, मेरे कमेंट्स यूट्यूब के नीचे कमेंट्स जब से मैंने ऑन किए तब से वो भी आने शुरू हो गए जी। लॉकडाउन BFS सेंटर्स को लेकर रिजल्ट कब आएंगे, DMs भी, और डेली लाइव में सेम चीज़ें मुझसे पूछी जाती थी डेली। और मैंने लाइव का बात इसलिए की है क्योंकि जो लोग मेरे साथ फ्रॉम द फर्स्ट डे कनेक्टेड थे उनका भी सही क्वेश्चन चल रहा है और रैंडमली सभी का भी यही चल रहा है। तो सभी लोग आप फ्रॉम दैट डे सिंस द लॉकडाउन बिगेन अब तक लेके परेशान थे कि जी हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे, VFS सेंटर सब कब खुलेंगे, हम मेडिकल कब करवा पाएंगे। जब लॉकडाउन था मेडिकल तो चलो फिर भी बीच में होने शुरू हो गए थे, बट बेसिकली आप अपने फ्यूचर फाइल को लेकर परेशान थे क्योंकि जिन लोगों की फाइलें लग गई थी वो उनको रिजल्ट के लिए परेशान थे, और जिन लोगों की फाइल नहीं लगी थी उन्होंने अपना सितंबर में डेफर किया था और आप आगे फाइल कब लगा सकते हैं आप उसके लिए परेशान थे। सिंस दैट डे टिल नाउ जब तक रिजल्ट आया नहीं, जब तक उन्होंने अपडेट आई सी ऐसे नहीं दी, तो ये डेली चीज़ मुझसे पूछी जा रही थी डेली। एक दिन ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है कि किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन ना पूछा हो, ऑन रिपीट, कब होगा जी, कब आएगा, आपको क्या लगता है कब तक आएगा। आप उस चीज़ के लिए परेशान थे और आप वही परेशानी बार बार ICRC को ट्वीट कर रहे थे, कोई मेल कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और ICRC ने इस चीज़ को देखा कि हाँ बच्चे परेशान हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा, उनके एरिया में जी VFS सेंटर्स नहीं खुले या फिर किसी एरिया में लॉकडाउन ज़्यादा चल रहा है, वो मेडिकल करवाने भी नहीं जा पा रहे और मेडिकल जैसे हॉस्पिटल्स भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड से हो गए। तो उन्होंने इस परेशानी को देखा कि हाँ यार बच्चे परेशान हैं और पैंडेमिक की वजह से सभी सफ़र कर रहे हैं, और उस चीज़ को उन्होंने एक सोल्यूशन ऑफर किया कि देखिए जब तक आपको आपके एरिया में VFS सेंटर्स नहीं खुलते या फिर आप मेडिकल नहीं खुलते, मेडिकल सर्विसेज नहीं ओपन होती, तो अगर आपके पास ऑलरेडी एडमिशन है जिन्होंने फॉल में डेफर कर दिया, फॉल सितंबर इनटेक में कर दिया, और सितंबर के लिए बेसिकली इनटेक हम सोच मान सकते हैं कि आपके सिर्फ ये दोनों चीज़ें रहती हैं, आपके जो आपके वो डॉक्यूमेंट है जैसे आपके एडमिशन आप सिक्योर कर चुके हो, आपने फीस भर दी है, आपके पास GIC है, बेसिक अपने बाकी सारी चीज़ें कर दी हैं, एडमिशन आपके पास सिक्योर है, LOA आ चुकी है, आप सबमिट करो, आपके उसके बेसिस के उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हम आपको रिजल्ट दे देंगे। और जैसे ही आपके यहाँ पर चीज़ें खुल जाएंगी, चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी, आप बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो और फिर आपको फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा, बस ये चीज़ हुई है। और ये सारा रूल यही था, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाए थे और बनाते हुए मैं सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर क्या बोलूँ यार, और बोलने वाला क्या है। प्रॉब्लम थी, आप सबमिट नहीं कर सकते थे आपके डॉक्यूमेंट, उसको सॉल्व किया गया और कुछ भी नहीं है इसमें। और ये तो बहुत खुश होने वाली बात है, रिलीफ है हम एजेंट्स के लिए भी, आप सब बच्चों के लिए भी जो अपने फाइल्स को लेकर परेशान थे, उसका सोल्यूशन ऑफर किया गया और कुछ भी नहीं। एंड अगर आपको इस चीज़ समझ आ गई हो, ठीक है ना, और अगर आप Jan 21 इनटेक के लिए इंटरेस्टेड हैं कि आप अप्लाई करना चाहते हो, देखिए सितंबर के लिए अब ठीक नहीं है क्योंकि जिन लोगों की फाइलें रेडी हैं वो लगाएं, बेझिझक लगाएं, उनका ठीक है, पर जिनके फ्रॉम द स्टार्ट उन्होंने प्रोसेस शुरू करना है उनके लिए ठीक नहीं है, टाइम भी कम है। तो आप Jan 21 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आई बटन में लिंक आ जाएगा। ये Jan 21 की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसमें कॉलेजेस एड ऑन भी होते रहेंगे जो कॉलेजेस में हम डील करते हैं, और अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पर आप फॉलो करके कॉलेज देख लीजिए, जहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं हमें मेल कर देना, हम आपका प्रोसीड कर देंगे। और अगर हम बैक टू द क्वेश्चन कि जी जो क्वेश्चन बेसिकली लोगों को डाउट जो बेसिकली सबको ज़्यादा हो रहा है, मैं एक बार लिंक भी नीचे ड्रॉप कर दूँगा वापस में उसका, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी जो इसके रिलेटेड है उसमें डाला भी था। तो अगर आप वो लिंक खोलें और आप स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा नीचे, आप देखें कि किस सेकंड डिवीजन में कि जो लोग परेशान थे, जो लोग ये चीज़ को लेकर डाउटफुल हैं कि ये सेकंड में आएगा नहीं, कुछ लोगों ने तो ये भी कमेंट कर दिया ये तो ट्रैप है हमारी फीस लेने का और सेकंड बेस पे रिफ्यूज़ल नहीं आएगा, ये है वो है। तो अगर आप उस चीज़ को, वैसे अगर आप पहली अगर आप वीडियो शुरुआत में आपने देखी है सुनी है
तो शायद आपका डाउट आधों का क्लियर हो गया, और जिनका नहीं हुआ उनको भी अगर डाउट फैल, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने वो रीज़न को देखा हो, पढ़ा हो, थोड़ा सा भी पढ़ा हो, तो अगर उसमें आप सिक्योरिटी रीज़न है, आपका सिर्फ वीज़ा रिफ्यूज़ इस वजह से हो सकता है, कोई सिक्योरिटी रीज़न, आपने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी की है, और जैसे कोई पासपोर्ट किसी आपने डिस्ट्रॉय किया, दोबारा बनाया, बायोमेट्रिक की वजह से आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये बंदे ने कुछ गलत किया, ठीक है ना, उस वजह से आपका ये हो सकता है। या फिर पेंडेमिक लिखा के हाँ, क्योंकि किसी को अभी श्योर नहीं है कि कब तक सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल होंगी, बट उसके ऊपर मैं बोल देता हूँ, जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ देखी भी होगी कि इंटरनेशनल ट्रैवल तो एक दो कंट्रियों में शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे करके मोस्ट प्रॉबली उम्मीद लगा सकते हैं हम कि शायद सितंबर में या फिर नवंबर तक मोस्ट प्रॉबली आई थिंक इंटरनेशनल ट्रैवल शायद शुरू हो सकता है, काफ़ी हाई चांस है, क्योंकि एक बार पीक में जाएगा, बट सोचा जा रहा है सभी जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कोविड के केसेस को कि आफ्टर अगस्त केसेस डिक्लाइन होने शुरू हो जाएंगे, एंड मोर ओवर जैसे हमने रशिया की न्यूज़ देखी होगी कि उन्होंने वैक्सीन बना लिया, और भी बहुत सारी वैक्सीन जो अभी ट्रायल स्टेजेस में हैं, और काफ़ी हद तक उम्मीद है कि दिसंबर तक या फिर उससे पहले तक ये चीज़ें काफ़ी हद तक इन कंट्रोल में आ जाएंगी, और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर काफ़ी हद तक ये डिक्लाइन होने शुरू हो जाएंगे, और हमारी ज़िंदगी बैक टू नॉर्मल बिफोर द कोविड चली जाएगी। तो पेंडेमिक रीज़न नहीं लग रहा है, अगर आप लास्ट पॉइंट रीड करेंगे पेंडेमिक फ्लाइट की शुरुआत होने पर थोड़ा बहुत हो सकता है, बट वो रीज़न नहीं लग रहा, क्योंकि चीज़ें ठीक हो रही हैं और मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ी देर तक ठीक हो जाएंगी, बाकी किसी का क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, कुछ फ्रॉडलेंट आपने नहीं किया हुआ है, सिक्योरिटी रीज़न पर आप कनाडा को थ्रेट नहीं लगते हो कि अगर आप आओगे तो हमारे यहाँ पर उनको कुछ खतरा है, नहीं है, तो आपका सेकेंड स्टेज पर वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। बट अगर आप पहला रीज़न समझ चुके हो कि क्यों हुआ है, तो उनके लिए तो वैसे भी डाउटफुल नहीं है, बट जिन लोगों के लिए डाउटफुल है उनके लिए मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ आए हो, क्योंकि ऑनेस्टली जब लोगों ने इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करने शुरू किए थे, भाई मैं परेशान हो गया था कि भाई आप इतनी पॉजिटिव न्यूज़ में से भी कुछ नेगेटिव के में कैसे सोच सकते हो, लाइक कैसे आपका दिमाग जा सकता है कि हाँ भी ऐसे भी हो सकता है, लिटरली, क्योंकि मैं खुद परेशान था यार, हम एजेंट सभी सफ़र कर रहे थे, आप अकेले स्टूडेंट्स हो रही हो यार, हमें भी रेंट देना पड़ रहा है, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे जो कंसल्टेंसीज में वर्क करते हैं जो उनको जॉब चिन की छूट गई है, और कोई अर्निंग हमें भी नहीं थी, और एक रूल आया कि हाँ पे हम एक लीगली हम इस प्रोसेस को हम कर सकते हैं, कितने पॉजिटिव न्यूज़ आई, और फिर इसमें से भी किसी ने नेगेटिव ढूंढ लिया, इसमें ये नहीं होगा, ये ट्रैप है, ये तो सेकंड में अप्रूव ही नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, उनमें से मुझे लगता है आधों से ज़्यादा ने तो न्यूज़ पढ़ी नहीं है, सुनी सुनाई बातें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने बोल दिया, आपके ग्रुप में उसमें किसी ने बोल दिया, आपने मान लिया और आप दुखी हो गए, बट अगर आपने इस न्यूज़ को अच्छे से पढ़ा हो तो शायद आपको ये डाउट हुआ कि भी नहीं होगा, और जिनका हुआ है आई थिंक शायद वो समझ गए हैं, जिनको अब भी नहीं समझ लगा तो भाई मेरे हाथ खड़े हैं, उसके इससे ज़्यादा मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मेरी भी लिमिट होती है। तो बाकी अगर आपको वीडियो ठीक लगी है, आपके कुछ हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना, क्योंकि प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने चेक किया है खुद कि 70% ऑफ द व्यूअर्स जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ यार कर लो, थोड़ा हौसला मुझे मिलता है कि हाँ यार मैं जैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, मेरा भी टाइम एंड एफर्ट लगता है, तो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ यार ठीक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अर्निंग तो इसमें कुछ होती नहीं है, ठीक है ना, चाहे जितनी मेरी मोनेटाइज कर दो, इतने तो मेरे व्यूज़ है नहीं कि इसमें बहुत कमाई कर लूँगा, तो होता कुछ भी नहीं है, बस जैसे कि मॉरल सी सपोर्ट रहती है कि हाँ ठीक है ठीक कर रहे हैं, तो मना करते रहो, ठीक है ना, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।